हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो अगर आप मार्केट में हैं तलाश कर रहे एक नए हाई एंड जीपीयू की, तो आपने आरटीएक्स 4080 और आरटीएक्स 4090 के बारे में जरूर रिसर्च की होगी। और अपनी रिसर्च में आपको ये भी पता चला होगा कि ये जो नए कार्ड्स है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है पीसीआई जन 5 कनेक्टर। एंड इसके बारे में आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा कांड सुने हुए कि कैसे ये यूजर एरर की वजह से जलना शुरू हो रहा है या फिर केबल क्वालिटी की वजह से जलना शुरू हो रहा है। लेकिन इस पीसीआई जन 5 कनेक्टर की कहानी क्या है और यहाँ पे आरटीएक्स 3.0 क्या चीज है और कैसे ये आपके आने वाले पावर सप्लाई परचेजेस को अफेक्ट कर सकती है? वेल, इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो वीडियो में ज्यादा आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो स्पॉन्सर की है कूलर मास्टर ने, बिकॉज कूलर मास्टर इज वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर्स जो फिलहाल आरटीएक्स 3.0 पावर सप्लाईज ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। पावर सप्लाई के बारे में और इनके मॉडल्स के बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि भाई आरटीएक्स क्या चीज है। आरटीएक्स मदरबोर्ड, माइक्रो आरटीएक्स मदरबोर्ड, आरटीएक्स केस, आरटीएक्स पावर सप्लाई। वेल, सिंपल सा आंसर ये है कि आरटीएक्स एक स्टैंडर्ड है, जैसे हमें आईएसओ मार्क का पता है या फिर बीएसआई स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, सेम आरटीएक्स भी एक स्टैंडर्ड है जो 1995 में लॉन्च हुआ। एंड जो पूरी आरटीएक्स की पैदाइश है वो है फ्रॉम इंटेल। इंटेल ने ही ये स्पेसिफिकेशन लॉन्च की थी और ये धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है। एंड इसी साल के फरवरी में उन्होंने एक नया अपडेट लॉन्च किया जिसको उन्होंने नाम दिया है आरटीएक्स 3.0। तो इस नए स्पेसिफिकेशन में उन्होंने एक नया पावर कनेक्टर भी अनाउंस किया था और उसका नाम है पीसीआई 5.0 कनेक्टर। और एग्जैक्ट नाम की बात करो तो इट्स 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर जो अप टू 600 वॉट्स एक केबल पे हैंडल कर सकता है। एंड सिर्फ ज्यादा हाई पावर के लिए नहीं, बिकॉज ये आरटीएक्स स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा पावर एफिशिएंसी पे भी जोर दे रही है और आपकी पावर सप्लाई को ज्यादा पावर एफिशिएंट होना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपका पीसी 10 वॉट से कम पावर खींच रहा है। एंड आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 10 वॉट बचा के हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ट्रेडिशनली जो हमारी एसएमपीएस होती है, जो पावर सप्लाई होती है, वो लो पावर यूसेज में काफी ज्यादा इनएफिशिएंट होती है। लेकिन इस नए स्पेसिफिकेशन में ये सब चेंज हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होंगे, तो सबके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा ये जो नए पावर सप्लाई है ये इस तरीके से बनाई गई कि ये बहुत ज्यादा पावर स्पाइक्स हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना हो 3000 सीरीज के कार्ड्स, 3080, 3090 जैसे कार्ड जब मैंने लॉन्च हुए थे तो काफी ज्यादा पावर सप्लाईज ऐसी थी जो चलते चलते बंद हो रही थी। एंड ये तो सिर्फ 3000 सीरीज के कार्ड्स के साथ प्रॉब्लम थी, इंटेल के इंजीनियर्स को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये 4000 सीरीज के कार्ड्स या फिर जो फ्यूचर में कार्ड्स आने वाले उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो नई पावर सप्लाईज है इस तरीके से बनाई गई कि ये जो पावर स्पाइक्स है उनको लंबी देर तक हैंडल कर सके और बहुत ज्यादा बड़े स्पाइक्स को भी हैंडल कर सके इजीली। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस है, लेकिन मैं दो छोटे चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूं। एक, आपका पीसी जल्दी ऑन होगा, जल्दी स्लीप पे जा सकता है, वो अच्छी चीज है। सेकंड, अगर आपको पता है कि पीएसयू के है ना एफिशिएंसी की रेटिंग्स होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन 80 प्लस ब्रॉन्ज, 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस प्लैटिनम, ये सब वो अच्छे तो थे लेकिन उनमें काफ़ी कमियां थी। एंड इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ नए साइबरनेटिक्स नाम के है ना कुछ पीएसयू स्टैंडर्ड्स लॉन्च होने वाले हैं जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो सिर्फ एफिशिएंसी पे नहीं, नॉइस पे भी ध्यान देते हैं। अब ये तो कि ऑन पेपर चेंजेस, अब लेकिन बात करते हैं कि फिजिकल में आपको मिलने क्या वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए पावर कनेक्टर की। ये जो पावर कनेक्टर है ये 16 पिन का एक कनेक्टर है जो 600 वॉट्स तक हैंडल कर सकता है। अब आप लोग बोलेंगे यार ऑलरेडी हमारे पास 8 पिन कनेक्टर्स थे, 6+2 पिन कनेक्टर्स या फिर 6 पिन कनेक्टर्स थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? वेल, उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसमें बस ये चीज थी कि आपका जो पावर कनेक्टर है वो मैक्सिमम एक सिंगल कनेक्टर 150 वॉट तक हैंडल कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, 1 GB मैक्सिमम 3 8 पिन पावर कनेक्टर्स को यूज करके 450 वॉट तक खींच सकता है मैक्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नया पीसीआई 5 कनेक्टर है ये आरटीएक्स 3.0 का सिर्फ एक पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल है कि पावर सप्लाई में ये कनेक्टर तो मौजूद हो लेकिन वो आरटीएक्स 3.0 के बाकी चेकलिस्ट को नहीं पूरा कर रहा हो। एंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज अगर आप ये सोच के एक पावर सप्लाई खरीद ले बिकॉज उसमें सिर्फ ये कनेक्टर है तो आपको सारे है ना बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आप गलत हैं। आपको एक ऐसा पावर सप्लाई चाहिए होगा जो एक्चुअली आरटीएक्स 3.0 रेटेड हो और उसमें ये पावर कनेक्टर मौजूद हो। 16 पिन का कनेक्टर है जिसमें से 12 एक्चुअल पिन जो है वो पावर डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। तो बाकी चार का काम क्या है? वेल, बाकी चार का काम ये है कि वो एक कम्युनिकेशन सेटअप करता है आपके पावर सप्लाई और आपके जीपीयू के बीच में। तो बेसिकली आपका पावर सप्लाई आपके जीपीयू को सिग्नल भेज सकता है कि भाई देखो मैं मैक्सिमम 500 वॉट हैंडल कर सकता हूं या डिलीवर कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। एंड ये सिग्नल मिलते ही आपका जीपीयू रिस्पॉन्ड करेगा कि वो अपनी पावर कंजम्पशन कम कर लेगा, जो एक प्रोटेक्टिव मेजर है, जो अच्छी बात है। देखने लायक चीज होगी कि किस किस तरीके से ये आगे धीरे धीरे डेवलप होती है या फिर क्या हमें इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे
दिखेगी। अब एक जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे ATX 3.0 पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, क्या वो जरूरी है? वेल, सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप एक हाई एंड पावर सप्लाई कंसिडर करने वाले हैं, फ्यूचर में अपने परचेज करने वाले हैं, तो जरूर ATX 3.0 पावर सप्लाई को कंसिडर करना, स्पेशली अगर आप है ना NVIDIA के 4000 सीरीज के कार्ड्स के साथ जाने वाले हैं। लेकिन जो हमारे AMD के नए कार्ड्स होने वाले हैं वो ये पावर कनेक्टर यूज नहीं करने वाले, वो ट्रेडिशनल 8 पिन वाले पावर कनेक्टर यूज करने वाले। क्या इसका मतलब ये है कि क्या मुझे ना इस टाइप की पावर सप्लाई नहीं खरीदनी चाहिए बिकॉज मैं तो पुराने कनेक्टर यूज करूंगा? देयर आर ह्यूज चांसेस कि ओवर द टाइम AMD भी इस कनेक्टर पे स्विच कर जाए, बिकॉज ये NVIDIA स्पेसिफिक कनेक्टर नहीं है, ये ATX कनेक्टर है। और फ्यूचर में जितने भी पावर सप्लाईज आएंगी या फिर जो GPUs आएंगे वो ये कनेक्टर यूज करने वाली है। और अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि पावर सप्लाई हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, तो नए पावर सप्लाई खरीदने का टाइम एक ATX 3.0 पावर सप्लाई खरीदने में कोई भी इशू नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ना अच्छी खासी पावर सप्लाई है जो लाइक है ना 800, 850 वॉट या फिर 1000 वॉट की है, लेकिन वो थोड़ी पुराने स्टाइल में है और आप एक RTX 4000 सीरीज कार्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं? वेल, उस केस में आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि जाके सीधा ये कार्ड खरीद जाके ये पावर सप्लाई खरीद लो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो GPU परचेज कर लो और आप यूज करके देखो क्या अडैप्टर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो अडैप्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है कुछ लोगों को, बिकॉज ऑफ लूज फिटिंग या फिर कुछ दूसरी बेंडिंग वगैरह की वजह से आपको उसके एस्थेटिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लाइक है ना लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू आपको अभी जाके पावर सप्लाई अपग्रेड करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मार्केट में एक और ऑप्शन है, वो है अडैप्टर केबल्स, जो एक तो NVIDIA आपको ऑफिशियली देती है, दूसरे कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एक है ना लगा लीजिए रेट्रोफिटिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जिसमें आप है ना पुराने PCI कनेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक PCI5 कनेक्टर पे। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सिर्फ एक कनेक्टर केबल है, वो डायरेक्ट आपका PSU को ATX 3.0 नहीं बना सकता, बिकॉज ATX 3.0 के लिए पूरी लाइक लिटरली मशीनरी जो है अंदर जो कंपोनेंट्स है वो चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वो अडैप्टर या केबल कोई बुरा सलूशन नहीं है, आप उनको भी कंसिडर कर सकते, बस आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज करना है। अब एक अगला क्वेश्चन कि भाई ATX 3.0 पावर सप्लाई इतनी ज्यादा एडवांस है तो इसका ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज्यादा होगा। वेल, खुशखबरी ये है कि ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं है, MW 1250 मॉडल है, उसका जनरली प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपये। लेकिन जो ATX 3.0 वाला स्पेसिफिकेशन वाला मॉडल है ये सिर्फ 1000 रुपये महंगा है उससे, और मेरे ख्याल से जो इस लेवल के सिस्टम बना रहे लोग उनके लिए 1000 रुपये एक ज्यादा एडिशनल चार्ज नहीं है अगर आपको ज्यादा सेफ्टी मिल रही है। तो भाई अब इस मॉडल की बात करें तो थोड़ी सी, तो ये एक है ना 1250 वॉट का मॉडल है, जैसे आपने इतना बड़ा बड़ा नाम में देख लिया है, और ये भी ATX 3.0 की पूरी तरह सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, और इसका एक छोटा मॉडल भी अवेलेबल है जो है 1000 वॉट का, 1050 वॉट्स का, एंड वो भी ATX 3.0 स्पेसिफिकेशंस को पूरी तरह कंप्लीट करता है। बाकी आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि ATX 3.0 क्या है, कैसे इसका इफेक्ट पड़ सकता है आपके फ्यूचर के पावर सप्लाई परचेज पे, कैसे ये जरूरी हो सकता है अगर आप एक नया हाई एंड कार्ड खरीदने वाले हैं। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।